सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो है काली लिनक्स कमांड पार्ट 3 है। तो जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप जाके पहले उसे देख कर आओ, फिर ये वीडियो कंटिन्यू करो, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एडवांस कमांड सिखाने वाला हूँ जो की बहुत ही यूजफुल है और डेली लाइफ में यूज आती है। तो सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो है नैनो कमांड। तो देखो नैनो कमांड क्या करते हैं। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप नैनो लिखते हो, नैनो लिखने के बाद यहाँ पे आपको स्पेस देना है। अगर जिस टेक्स्ट फाइल को आप एडिट करना चाहते हो उसका यहाँ पे आपको नाम देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ kaowsh.txt, हाँ, इस नाम का फाइल kaowsh.txt नाम का फाइल अगर अवेलेबल है तो ये उसे ओपन करेगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो इस नाम से एक फाइल क्रिएट करेगा। तो इस नाम से अभी कोई फाइल अवेलेबल नहीं है तो इसे क्रिएट कर देगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा, देखो इस नाम से इसने एक फाइल को क्रिएट कर दिया, kaowsh.txt एंड नैनो एडिटर अभी ओपन है। तो यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ उस फाइल के अंदर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ h0 ले लो, हेलो FRIEND, हेलो फ्रेंड्स। तो अब मैं इसे सेव कैसे करूंगा, तो इसके लिए देखो CTRL लिखा है यहाँ पे, CTRL लिखा है, इसका मतलब कंट्रोल ओ दबाना है, एंटर प्रेस करना है एंड आपको कंट्रोल फिर से दबाकर आपको एक्स प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स। तो अभी देखो kaowsh.txt नाम से एक फाइल बन चुकी है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फाइल के अंदर क्या है। तो मैं कैट कमांड के जरिए आपको दिखाता हूँ, kaowsh.txt एंटर मारा, देखो हेलो फ्रेंड्स। तो इस फाइल के अंदर क्या था, हेलो फ्रेंड्स नाम का मैंने एक टेक्स्ट लिखा था। सो अब जो हमारा सेकेंड कमांड है वो है do you space negative sh। तो देखो do you space negative sh इस कमांड का मतलब क्या होता है। तो डू यू का मतलब होता है यहाँ पे डिस्क यूज sh, यहाँ पे हम फिल्टर वर्ड को यूज कर रहे हैं, फिल्टर यानी फिल्टरिंग के लिए। हम इस कमांड के जरिए चेक कर सकते हैं कि कौन सा फाइल फोल्डर कितने MB का है, स्पेस ले रहा है। तो मैंने एक फाइल बनाई थी, तो मैं kaowsh.txt इस फाइल का जो साइज है वो चेक करूंगा। तो मैं इसके लिए do you -sh कमांड का यूज ले रहा हूँ, kaowsh.txt लिखूंगा एंड जैसे मैं एंटर मारूंगा, देखो इसकी जो साइज है ये शो कर रही है 4.0 KB। ये का मतलब होता है यहाँ पे KB, हाँ। तो अब जो हमारा तीसरा कमांड है वो है df। तो देखो df कमांड क्या करता है, df कमांड आपकी जो डिस्क होती है यानी जो पूरी मेमोरी होती है वो चेक करती है कि आपकी जो पूरी मेमोरी होगी वो कितनी यूज हुई है। तो df कमांड को जैसे आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे आपको पूरा शो हो जाएगा। सो अब जो हमारा चौथा कमांड है वो है PASSWD। तो ये जो कमांड है PASSWD, इसका मतलब होता है पासवर्ड। तो इस कमांड के जरिए आप काली लिनक्स का जो पासवर्ड होता है उसे चेंज कर सकते हो, लॉगिन पासवर्ड। जैसे भी इस कमांड को मार के एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड पूछा जाएगा, यानी आप काली लिनक्स का जो पासवर्ड है वो चेंज करो। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड लगा देता हूँ, तो एंटर मारता हूँ, फिर से वही पासवर्ड आपको डालना होगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो देखो पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। तो अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो इस कमांड के जरिए आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो एंड चेंज कर सकते हो। सो अब जो हमारा पांचवा नंबर का कमांड है वो है sudo su। तो sudo su का मतलब क्या होता है, देखो sudo su का मतलब होता है सुपर यूजर दो, यानी मैं अपने टर्मिनल को रूट पावर दे रहा हूँ। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मेरे टर्मिनल को रूट पावर मिल जाएगी, लेकिन मैं पहले से रूट यूजर था, ये देखो रूट लिखा हुआ है, इसलिए ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। तो अब जो हमारा सिक्स नंबर का कमांड है वो है who am I। तो देखो who am I का मतलब क्या होता है, who am I का मतलब होता है who am I, मैं कौन हूँ। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा आप रूट यूजर हो, रूट यूजर यानी आप किस यूजर से लॉगिन हो ये आपको दिखा देता है, यानी आप रूट यूजर हो। अगर आप किसी दूसरे यूजर नेम से लॉगिन हो तो आपको वो शो कर देगा। तो अब जो हमारा सेवन नंबर का कमांड है वो है neofetch। तो देखो neofetch कमांड क्या करता है, तो इस कमांड के जरिए आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स निकाल सकते हो कि मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, कितना रैम यूजर है, कितना CPU यूजर है, कितने पैकेजेस इंस्टॉल है। तो इस कमांड को परफॉर्म करने से पहले आपको इसे इंस्टॉल करना होता है, डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है। तो इसके लिए आपको neofetch लिख के आपको एंटर मारना होगा, तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल है। तो जैसे मैं neofetch कमांड को एंटर मारूंगा लिख के neofetch लिख के मैं एंटर मारूंगा, तो एंटर मारने के बाद देखो यहाँ पे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का देखो यहाँ पे एक लोगो आ चुका है, यानी मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम OS काली GNU लिनक्स कर्नल का वर्जन अपटाइम पैकेज सेल ZSH रेजोल्यूशन कितनी है, देखो यहाँ पे सब कुछ आपका शो हो जाएगा। हाँ, कौन सा थीम यूज कर रहा हूँ, देखो CPU के मॉडल का MT6769V, रैम मेमोरी कितना खाली है, यूज हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको बता देगा। एंड अब जो हमारा आठवां नंबर का कमांड है वो है हिस्ट्री, HISTORY।
तो हिस्टोरी कमांड क्या करते हैं, आपने जितने भी कमांड्स अभी टर्मिनल में परफॉर्म किए हैं कालिनक्स में वो आपको शो कर देगा, यानी आपने क्या क्या कुछ किया है। एंटर मारूंगा, देखो इसने शो कर दिया, तो मैंने इतने चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की थे, हुई एम आई क्लियर। एंड अब जो हमारा 9th नंबर का कमांड है वो है history-c, तो ये कमांड क्या करता है, ये कमांड हिस्ट्री को डिलीट कर देता है, यानी आपने क्या क्या टर्मिनल में सब कुछ किया था उसकी जो हिस्ट्री होगी वो डिलीट कर देगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मेरी हिस्ट्री आप डिलीट हो जाए, एंड जैसे मैं यहाँ पे हिस्ट्री लिखूंगा तो देखो एक ही चीज़ शो होगा, history हिस्ट्री लिखा, एंड जैसे मैं एंटर मारूंगा देखो यहाँ पे लिखा है ऑन हिस्ट्री हिस्ट्री, क्योंकि मैंने अभी हिस्ट्री कमांड को ही परफॉर्म किया इसलिए ऑन हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रहा है। तो एंड अब जो हमारा लास्ट कमांड है वो है फिश, FISH, फिश। तो देखो ये खाने वाला फिश नहीं है, तो ये फिश एक फ्रेंडली इंटरेक्टिव शेल है। ये फिश का मतलब होता है फ्रेंडली इंटरेक्टिव शेल, जो कि आपको हेल्प करेगा। यानी कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कमांड टाइप करते करते कुछ उल्टा सीधा टाइप कर देते हो तो आपको कलर से आपको ये प्रूव कर देगा कि आपने वो कमांड गलत लिखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे पता है अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो फिश को पहले आपको इंस्टॉल करना होगा, FISH फिश, आपको यहाँ पे वाई लिख के प्रेस करना है, यानी एंटर। तो अभी हमारा जो फिश फ्राई हो रहा है, तो हमारा जो फिश पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है, एंड आपको यहाँ पे FISH फिश लिख के आपको एंटर मारना है। तो जैसा फिश लिखोगे देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ जाएगा, root@localhost*, एंड यहाँ पे लिखा है वेलकम टू फिश फ्रेंडली इंटरेक्टिव शेल। जैसे मैं यहाँ पे ls लिखूंगा तो इसका कलर देखो, इसका कलर हो गया ब्लू, यानी मैंने ठीक लिखा है, यानी मैंने सही लिखा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ls यहाँ पे x लिख देता तो यहाँ पर रेड कर रहा है, यानी मैंने गलत कमांड लिखा है। तो ये आपको सजेशन प्रोवाइड करता है कलर के थ्रू। एंड जैसे मैं यहाँ पे ls लिखूंगा देखो मैं मुझे यहाँ पे एक सजेशन प्रोवाइड किया है -a का। हाँ, तो -a क्या काम करता है मैंने आपको बताया था, -a का मतलब होता है जिन फाइल्स और डायरेक्टरीज होती है उसे शो कर देता है। तो मैं यहाँ पे -a लिखूंगा, देखो यहाँ पे कलर जो है वो ब्लू हो रहा है, यानी मैंने सही कमांड लिखा। अगर आप गलत कमांड लिखते हो उल्टा सीधा तो यहाँ पे रेड होगा। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे lsd लिखूंगा तो ये भी सही कमांड है, परफॉर्म कर रहा हूँ, देखो काम हो रहा है, सब कुछ शो कर रहा है। तो फिश कमांड आपको थोड़ा सा हेल्प करता है अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।